रहीम फ्रेंड्स, मेरे सर्विंग डिश मेरे पास है। आप चाहें तो इंडिविजुअल सर्विंग भी कर सकते हैं या चाहें तो आप बिग डिश या बोल में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गर्म है बहुत, मेरा हाथ जल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यकीन करें कि लास्ट सीजन YouTube family, I'm Kausaralvi and you are watching my channel Kausaralvi Lifestyle. I hope you will be quite well, happy at the weekend and aap apni family ke saath khushokuram zindagi guzar rahe honge. Ji, aaj main aapke liye kuch namkeen hi layi hu, balki meethe dessert ki meethe ki recipe layi hu, jo ki sardiyon ka meetha jise bola jata hai Loki ka halwa, jo ki aap bakery se ya halwaiyon ki shop se बहुत महंगा खरीदते हैं। मैं इसे बना रही हूँ बहुत कम दामों में। इसे नट्स और वगैरह तो जो होती है किशमिश रेजन नारियल वगैरह सबके फ्रिजों में पड़ा होता है, तो मुझे लाना था एक लौकी जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ग्रीन लौकी है। इसको पील ऑफ करेंगे, ग्रेट करेंगे और इसका सेंटर वाला पल्प निकाल कर हम इसे ग्रेटिंग कर लेंगे, फ्राई करेंगे कैमोलिव ऑयल में। आई डोंट यूज घी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, ये टू लौकी फ्रेश अभी अभी आए हैं, मैंने इनको वॉश कर लिए। यहाँ से हम इसकी स्टेम को डिस्कार्ड कर देंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा हम डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। इसी तरह मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूंगी स्टेम पे। मेक श्योर कि ये जो लौकी है ये बहुत पका हुआ नहीं है और ये सॉफ्ट है, फॉर्म नहीं है, वरना मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था, लेकिन मैं फ्रेश लेकर आई हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू पील ऑफ इट्स स्किन लाइक दिस। आप नाइफ से भी कर सकते हैं लेकिन इससे ईजीली हो जाता है। तो मैं ये सारी स्किन पील, ये देखिए कितने सारी पीक्स उतर गई हैं, इनको पानी में डालें, डिप करें और अपने पौधों को दे दें तो ज़बरदस्त सा मेन्यू तैयार हो जाएगा। एक सप्लीमेंट्री वाटर उनको मिलेगा और आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। खासकर जो मेरे किचन में सिंगोनियम पड़ा हुआ है, मैं इसका पानी उसे दूँ। अब ये आ गया हमारे पास, इसको हम दरमियान में से इस तरह भी कट कर सकते हैं, ईजी टू मैनेज होगा, या फिर आप लंबाई में भी करके इसके टू हाफ्स कर लेंगे इस तरह से इक्वल। और फिर हम इसके जो वाइट सा सॉफ्ट पल्पी है, इट कंटेन्स वाटर, तो बजाय ये कि हम इसको स्क्वीज करें तो हम इसका ये जो वाइट पल्पी पार्ट है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और अलग से आप यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ में, ठीक है जी। ये स्पून है, इसकी मदद से मैं इसका ये वाला पार्ट रिमूव कर रही हूँ इस तरह, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। इनर पार्ट रिमूव कर दिया, अब आ रहा है टाइम ग्रेटिंग का, ठीक है जी। इन सबको यहाँ से क्लियर करके मैं हाथ से ग्रेटिंग करूँगी और एक मशीन से प्रोसेसिंग से भी हो सकता है लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ। इन सब की ग्रेटिंग कर लेंगे, जो लेफ्ट ओवर रह जाएगा उसको हम नाइफ से बारीक शॉप कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। इस तरह सारे जो टुकड़े हैं लौकी के, इन सब की ये फॉर्म आ जाएगी, बिल्कुल जैसे कद्दूकस करते हैं। अब हम पैन में डालेंगे घी या ऑयल और उसमें ये सारा जो हमने ग्रेटेड लौकी है इसे हम फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी जो है मॉइस्चर मज़ीद जो है रिड्यूस हो जाए। और फिर इसके बाद जो है हम इसमें डाल रहे हैं दूध, तकरीबन एक गिलास दूध में हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे, कवर कर देंगे फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। अगर आपका लौकी पका हुआ नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत जल्दी से टेंडर हो जाएगा। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है, दूध ड्राई हो चुका है यहाँ पर, और स्टोव ऑफ कर दिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम नट्स को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे एक सेपरेट पैन में, ज़रा सा ऑयल डालेंगे इसमें, बादाम, काजू, पिस्ता, नारियल, किशमिश, ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने ये डाल दी थी, और इनके क्रैकल होने तक, अरोमा आने तक हम इनको इसमें कुक करेंगे। जलाना नहीं है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है आपने, बहुत एहतियात से ये रेसिपी बनेगी। इतने सारे नट्स इसमें जा रहे हैं जो कि आजकल बहुत कॉस्टली हैं फ्रेंड्स। रिमूव कर लिया दोबारा से कढ़ाई को, हमने स्टोव पर रखा, थोड़ा सा हम इसे दोबारा से गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एज़ पर योर टेस्ट। फिर चीनी पानी छोड़ेगी, दोबारा से लिक्विड छोड़ेगी, अपना जूस निकालेगी, इसको फिर ड्राई करेंगे। 5 to 10 मिनट्स में चीनी का पानी रिड्यूस हो गया था, बिल्कुल से हलवा हमारा ड्राई हो रहा था। इसके बाद जो क्या स्टेप करना है, हमने ग्रीन कलर डालना है, ये ऑप्शनल है, इफ़ यू डोंट लाइक डोंट यूज़ ग्रीन कलर, तो थोड़ा सा कलर से ये अट्रैक्टिव लुक आ जाएगी इसकी। आई हैव एडेड पिंच ऑफ ग्रीन कलर जो कि फूड कलर्स हैं। कुक करेंगे। इसके बाद मैंने क्या डाली थी, सब्ज़ इलायचियाँ का पाउडर भी डाल सकते हैं, एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने रियल में असल में सब्ज़ इलायचियों को कुचल लिया था थोड़ा सा हैमरिंग से। ये देखें, ये सब्ज़ इलायचियाँ चली गई। थोड़ा सा भून रहे हैं हम फर्दर, और लास्ट में हम इसमें नट्स को ऐड करेंगे, शुगर कंटेंट को टेस्ट कर लेंगे। वो चीनी बची हुई है देखें, यहाँ जा रहा है मावा, खोया,
थोड़ा सा मैंने खोया लिया था जो कि फ्रीज हुआ हुआ था, और बाकी मैंने कलाकंद डाल दी थी, थोड़ी सी सेपरेट बचा ली थी गार्निश के लिए। भूनते जाएंगे, मावा की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। हालांकि इसमें कोई स्मेल नहीं थी, ये बेकरी से लिया। अब जा रहे थे नट्स, नट्स को ऐड करेंगे, ट्विस्ट देंगे, एक मिक्स देंगे और हम थोड़ी देर में अपने हलवे को उतार लेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी रेडी नाउ विद इन 5 to 10 minutes। टोटल टाइम इसका 15 मिनट्स में कुक हुआ है ये हलवा। ओके जी, हलवा इज़ रेडी। आई टेक इट ऑफ द स्टोव एंड सर्व इट इन अ सर्विंग डिश। ट्रांसफर इट। मस्त खुशबुएं आ रही हैं। इतने महंगे हलवे बेकरी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्दियाँ आएंगी, मेहमान आएंगे, आप इस तरह करके इनको फ्रीजर में रखते हैं बॉक्सेस बनाकर, जब कोई आया ओवन में गर्म करें और सर्व करें और खूब सारी तारीफ पाएं। बताएं, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। पम्पकिन का हलवा भी होता है जिसको पेठे का हलवा बोला जाता है। ये सारे हलवा जात पाकिस्तान के ट्रेडिशनल फूड्स हैं और हर सिटी में ही बनाया जाता है और पसंद किया जाता है। ठीक है जी, अब इसको भी मैं साफ कर लूँगी, उंगली से चाटूंगी कैमरे के बाद। तो यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा ये मावा जो है मैंने गार्निश के लिए रखा हुआ था, इसे इसके ऊपर सजा लेंगे, ड्रिजल कर देंगे और थोड़े से नट्स को सजा कर इसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे। आप किसी को खिला कर दिखाएं ये तो दावतों वाला लौकी का हलवा बेहद पसंद आएगा। बच्चों को, बड़ों को, न्यूट्रिशनल है, इसके अंदर सारी वैल्यूज नट्स हैं और लौकी का तो आपको पता ही है, जो भी सब्जी होती है बहुत फ़ायदा वाली होती है। ये इतनी सी कलाकंद रहेगी जो मैं खा रही हूँ। अब यहाँ पर जा रहे हैं थोड़े से टेस्टिंग टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स, बिलीव मी। और मैं मीठा नहीं खाती ना टी में ना किसी चीज़ में, लेकिन कभी कभी डिजर्ट या नाश्ते में या शाम की चाय से सर्दियों में अच्छा लगता है। इससे बढ़ के मैं आपको क्या गारंटी दूं। बना डाले तब बनाएंगे, आज रेसिपी देखी है ना आप। लौकी ले कोई 50-100 रुपए की आ जाएगी और ये रेसिपी सिखा दे उन बच्चों की जिनकी शादी होने वाली है, वो ये बना लें अपने ससुराल में सर्दियों में, ये बना के दे। आइसक्रीम तो बाजार से भी मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अमेजिंग, आसम, यमी रेसिपी इज रेडी। अलवी साहब से चोरी बना रही हूँ, वो छोड़ते नहीं है मीठा। आज कोई लंच नहीं हुआ था इसलिए अब मैं खा रही हूँ, उनको भी देती हूँ थोड़ा सा। टेक केयर, बाय। इज आप पहुंच चुके हैं, इनको खुशबुएं आ गई हैं बेडरूम में। फ्रेंड्स, ही इज गोइंग टू टेस्ट इट। ऑनेस्टली बताना, मैं कुछ नहीं कह रही आपको कैसे। वेल डन। थपकी थपी थपी नहीं दी।